खबर झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र से है, जहां झांसी जिले के सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं खेतों में गिरे 250 ग्राम तक के ओले को ट्रॉलियों में भरकर किसान मऊरानीपुर टीकमगढ़ मार्ग के खदियन चौराहे पर उतर गए और मार्ग को जाम कर दिया। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों के खेतों का सर्वे कराए और उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी ने बताया कि किसानों के खेतों में हुई ओलावृष्टि का सर्वे कराए जाने के लिए लेखपाल की टीम रवाना हो गई है और किसानों की बर्बादी हुई फसल का उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। हमारी मांग पूरी करो तो वहाँ पे सर्वे करो, मुआवजा दिलवाओ सर, मरने के लिए भी हर कल फांसी लगा ले हम। क्या नाम है? धर्मदास। कहाँ के हैं? हुआ वहाँ पे। आज ये जाम क्यों लगाया है किसानों ने आप लोगों ने? सर फसल पूरी चौपट हो गई, बिल्कुल काट में लाभ नहीं बची यार, बिल्कुल गिन्नी गिन्नी हो गई साहब। अच्छा हाँ, क्या मांग है आप लोगों की? मांग साहब आप जो है जो कहीं राहत आप कह सकें तो वो भी सोना सेवन कार्ड में लाभ नहीं बची है कुछ। कितनी क्या पूंजी लगी थी आपके खेत में? पूंजी साहब हमने थोड़ी सी जमीन है वही 5-6 बीघा जमीन है। अच्छा, उसमें कुछ नहीं बचा है, कार्ड भी लाभ नहीं है, भूसा ही कड़े और वे भूसा ही नहीं कड़े। खाने के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा, उन्हें कहा है, उन्हें गिन्नी गिन्नी हो गई बिल्कुल, वो इतना ऊंचे बाबा एक बेटी भाई ऊंचे हुआ। आज किस बात को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए कल शाम को भयंकर ओलावृष्टि हुई है, 200 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के ओले गिरे हैं। किसानों की जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों के सैकड़ों गांव में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसान आज हताश और निराश होकर मऊरानीपुर के खदियन चौराहे पर ओले को लेकर, ये देखिए ओले लेकर रोड पर उतर गया है, जाम लगाया है बैठा है। वो सरकार से मांग कर रहा है कि हमारी खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराकर हमको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों की पूरी लागत मेहनत सब डूब गई है, किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बुंदेलखंड का किसान कई वर्षों से ओलावृष्टि अतिवृष्टि सूखा के चलते बर्बाद है, किसान कर्जदार है, किसान आत्महत्या को मजबूर है। इस वर्ष भी किसानों की फसलें संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। अब योगी सरकार से भाजपा सरकार से किसान यहाँ मांग कर रहा है कि अविलंब हमारे खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और हमको मुआवजा दिया जाए, साथ में बीमा कंपनियों को आदेशित किया जाए कि बीमा क्लेम दिया जाए, क्योंकि जब से ओलावृष्टि हुई है बीमा कंपनियों द्वारा जारी टोल फ्री नंबर बंद जा रहा है, किसी का भी नहीं उठ रहा है फोन। किसानों ने जाम लगाया है, ये कहां कहां प्रदर्शन जारी है, किन किन मांग क्या मांगे हैं? देखिए रात्रि में बहुत ओलावृष्टि हो गई है, लोग बाग ट्राली भर के लाए हुए हैं और जाम इसलिए लगाया गया कि मैंने जिलाधिकारी एसडीएम और तहसीलदार को शाम को ही अवगत करा दिया था, लेकिन इनके कर्मचारी न पहुंचने के कारण किसान सड़कों पर उतर आए हैं। मांगे यही है कि जो भी नुकसान हुआ है ईमानदारी से 100% उनको जो है मुआवजा एवं बीमा राशि दिलाई जाए। देखिए कल शाम को ओलावृष्टि हुई है तहसील मऊरानीपुर क्षेत्र में, कई गांव में ओलावृष्टि हुई है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग के लेखपालों को लगा के जो है सर्वे कराया जा रहा है, किसानों की जो भी क्षति हुई है उसका मुआवजा उन्हें मिलेगा। अभी किसानों से क्या वार्ता है? किसानों से वार्ता हुई है कि ये लोग अपने गांव जाएं, गांव-गांव में सर्वे हो रहा है, प्लाट टू प्लाट सर्वे हो रहा है, जिसकी जो भी क्षति हुई है उसको मुआवजा मिलेगा। वहीं अब झांसी में जगह जगह किसानों का प्रदर्शन जारी बना हुआ है और किसान नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता के बीच कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद किसान उग्र हो गए। Yeah!
मौरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।